दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। बांदकपुर एक बहुत ही प्राचीन जगह जिसे जागेश्वरनाथ का मंदिर भी कहा जाता है, और ये दमोह के पास है। लगभग 16 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है दमोह से। इसे 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। सबसे ख़ास बात यह है यहाँ की, और जब आप अंदर जाते हैं तो ये तीर्थ धाम की तरह है। यहाँ पर हर भगवान के मंदिर हैं, और साथ में एक बावड़ी भी है जो आप आगे देखेंगे वीडियो में। खाने का प्रोग्राम हो रहा क्या? अपन आए थे तब तो बहुत भीड़ थी यार, सीजन में आए थे। ध्यान रखना थोड़ा इधर से वापस एग्जिट यार। यहाँ के लिए दो प्रवेश द्वार हैं, एक जिधर से अभी हम लोग आए और एक और है जहाँ आसपास दुकानें हैं, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, पूजन की सामग्री। गाइज ये जो जगह है बांदकपुर नाम की, ये है दमोह के पास, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, तीर्थ स्थल भी कहा जाता है इसको। समय समय पर यहाँ पर कथा और प्रवचन का आयोजन भी किया जाता है, जिससे आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं, उस समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। ये आप जो बावड़ी देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन बावड़ी है, और यहाँ का पानी शुद्ध माना जाता है, लोग अपने घरों में भी यहाँ से पानी ले जाते हैं। वीडियो में इतना ही, इसके बाद आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं दमोह के पास, ये लोकेशन है बांदकपुर नाम की जगह है, आप इजीली जा सकते हैं वहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये कुछ वहाँ के फ़ोटोज़ है जो मैंने क्लिक किए थे, इन्हें अगेन आप मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं अनुराग शर्मा सुपरस्टार.in, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।